चलिए बच्चा, आज हम लोग पढ़ेंगे लोकेशन ऑफ वॉइड। हम लोग वॉइड के बारे में पिछली क्लास में अच्छे से पढ़ लिए, कितने प्रकार का वॉइड होगा, है ना। चार प्रकार का पढ़ा, 2D में एक ट्रायंगुलर वॉइड, है ना। 3D में हम लोग तीन प्रकार के पढ़े, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और क्यूबिक वॉइड। अब हम लोग देखते हैं लोकेशन ऑफ वॉइड, कि वॉइड कहाँ कहाँ रहता है, और वो भी कौन, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल का सिर्फ देखेंगे कि कहाँ रहता है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और वो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इन FCC एंड CCP क्लोज पैकिंग, इन फेस सेंटर या क्यूबिक क्लोज पैकिंग। कि फेस सेंटर और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में वॉइड का स्थान कहाँ होता है, मतलब रिक्तियों का स्थान, रिक्ति का स्थान, रिक्ति कहाँ कहाँ पाया जाता है, रिक्ति का स्थान। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि जो FCC है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, उसका क्या प्रोसेस, पूरी अच्छी तरीके से मैं बता चुका हूं बच्चा कि फेस सेंटर क्लोज पैकिंग और क्या होता है। चलिए थोड़ा सा मैं बता देता हूं फेस सेंटर क्लोज पैकिंग में क्या होता है। फेस सेंटर क्लोज पैकिंग में एटम्स यहां होगा, कॉर्नर पर होगा, सभी कॉर्नर पर होता है एटम्स बच्चा। और कहां होता है, फलक पर, तो ऊपर वाला पर यहां होगा, साइड वाला पर यहां बीच में होगा, पीछे वाला पर यहां बीच होगा, बीच में आगे वाला पर यहां बीच में होगा, नीचे वाला पर यहां बीच में होगा, इधर वाला पर यहां कहीं बीच में होगा। ये 6 हो गए, ये 6 एटम्स होता। अगर आपको पता करना हो, एक लाइन लिख लीजिए, ऐसे पढ़ा चुके हैं फिर भी एक लाइन लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां कहां रहता। तो इन FCC और CCP एटम्स आर, या पार्टिकल्स लिख दीजिए, पार्टिकल्स आर एट ऑल द कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर। मतलब FCC और CCP में, मतलब फेस सेंटर क्यूब क्लोज पैकिंग या क्यूबिक क्लोज पैकिंग में जो कण होगा वो कोनों पर होगा और फलकों पर होगा, है ना, है ना। तो हिंदी अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कि FCC या CCP में कण सभी कोनों और सतहों के केंद्र पर होता है, सतहों के केंद्र पर, फेस सेंटर पर, जो केंद्र है बीच में होगा, केंद्र पर होगा। तो आइए नंबर ऑफ एटम्स देखते हैं, पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या, कि कितना कण होता है, तो ये सब बता चुके हैं फिर भी एक बार देख लीजिए, यहां पर कितना कण होगा टोटल बच्चा। कॉर्नर पर 8, उसका कंट्रीब्यूशन 1/8, सतह पर 6, उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 आधा होता है, मैं बता चुका हूं। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3, मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स FCC में 4 होगा, 4 गो एटम्स होगा। और इसे मान लीजिए कि ये जेड से, इसको मान लीजिए जेड से सूचित कर दीजिए, इसको नंबर ऑफ एटम्स को कि ये जेड। तो इतना बात आप देख लिए कि फेस सेंटर या क्यूबिक क्लोज पैकिंग में
जो परमाणुओं की संख्या है टोटल इसके अंदर एक यूनिट सेल में टोटल परमाणु चार को आएगा, है ना। आइए अब देखते हैं वॉइड कहां कहां रहता है, चेक करते हैं बच्चा वॉइड कहां कहां रहता है। तो पहले हम लोग देखते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड कहां कहां रहता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो पहला देख लीजिए टेट्राहेड्रल वॉइड है ना, ए में कि एफ सी सी और सी सी पी में टेट्राहेड्रल वॉइड कहां होगा और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां होगा, है ना। टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड चतुष्फलकीय रिक्ति वॉइड, इसको टी भी कह दीजिए, है ना। शॉर्ट में टी से टेट्राहेड्रल और बी से वॉइड कह देते हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड एक लाइन लिख लीजिए कहां रहता है वो मैं बता देता हूं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो रहता है वो नॉर्मली आपका जो ये बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल और बॉडी डायगोनल पर पाया जाता है, तो लिख लीजिए कि टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट एट बॉडी डायगोनल ऑफ यूनिट सेल। कहां पाया जाएगा बच्चा, ध्यान से रखिए, बॉडी डायगोनल क्या होता है, जो तिरछा तिरछी इस कोने से इस कोने को जो मिलाया जाएगा, इस कोने से तो टोटल कितना बॉडी डायगोनल हो जाएगा बच्चा, चार हो जाएगा। ये बॉडी डायगोनल होता है, चार बॉडी डायगोनल होता है। बॉडी डायगोनल तिरछा तिरछी, जैसे मान लीजिए रूम है, नीचे वाला को ऊपर वाला से, इस नीचे वाला को ऊपर वाला से, फिर उसका उससे, फिर उसका इससे, है ना। ये रूम का ही बात अगर कर लेते हैं तो चार बॉडी डायगोनल होता है ना, चारों चार कोना है ना, तो चारों कोना से नीचे चारों कोना में मिलाएंगे, जैसे ऊपर में कई कोना, चार कोना, तो तिरछा तिरछी नीचे वाला कोना से मिला दीजिए, तो इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, है ना। तो चार को बॉडी डायगोनल होगा, आप प्रत्येक बॉडी डायगोनल पर दो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। वॉइड का मतलब खाली जगह, दो खाली जगह होता है, दो जगह खाली होता है, है ना। तो लिख लीजिए कि each body diagonal has two tetrahedral void। मतलब प्रत्येक body diagonal होगा, जो प्रत्येक आपका केंद्र का जो विकर्ण होगा, केंद्रीय विकर्ण, जिसे आप अंतः केंद्र विकर्ण भी कह सकते हैं, अंतः केंद्र जो विकर्ण होता है, प्रत्येक अंतः केंद्र विकर्ण पर दो गो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, मतलब दो जगह खाली स्थान होता है। जैसे मान लीजिए इसका, तो एक खाली जगह यहाँ होगा, एक खाली जगह यहाँ होगा, इसमें देखिए तो एक खाली जगह यहाँ होगा, एक खाली जगह यहाँ होगा, इसका देख लीजिए तो यहाँ होगा, यहाँ होगा, अगर इसका देख लीजिए तो यहाँ होगा और यहाँ, चार आठ जगह, तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड कितना हो जाएगा, तो 30 हिंदी लिख लो, तो हिंदी लिख लीजिए कि प्रत्येक अंतःकेंद्रीय विकर्ण के पास दो चतुष्फलकीय रिक्तियां होती है। तो टोटल नंबर ऑफ, तो बता दीजिए कितना होगा टेट्राहेड्रल वॉइड में बच्चा,
टोटल कै वॉइड होगा, एकदम आसान तो है ये, चार मतलब चार वो विकर्ण होता है, तो यहां लिख लीजिए टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड बताइए कितना होता है, तो नंबर ऑफ विकर्ण, नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल इनटू टू, क्योंकि एक बॉडी डायगोनल पर दो होता है और जितना बॉडी डायगोनल होगा उसको दो से गुना कर दें, तो आप जानते हैं कि बॉडी डायगोनल इसमें कितना होता है, चार, तो चार इंटू दो, तो चार दूनी आठ, मतलब जो टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या हो जाएगी वो आठ हो जाएगा, आठ जगह खाली, ये बात ध्यान में रखना, ये फिक्स है, सिर्फ और सिर्फ बॉडी डायगोनल पर ही होगा टेट्राहेड्रल वॉइड, सिर्फ और सिर्फ बॉडी डायगोनल पर ही होगा टेट्राहेड्रल वॉइड। और जरा गौर करिए ये आठ हुआ, समझ रहे हैं कुछ, इस बात को जरा गौर करिए आठ है, अब बताओ इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितना था, चार, नंबर ऑफ एटम्स था चार, सोचो तो बताओ ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है बच्चा वो एटम्स की संख्या से दुगना होता, समझ रहे हैं, जितना एटम्स होगा क्लोज पैकिंग में उससे दुगना टेट्राहेड्रल वॉइड उसके अंदर होगा, सिंपल सा बात याद रखना, जितना एटम्स होगा उससे दुगना होगा टेट्राहेड्रल वॉइड। तो अगर मैं कहूं टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इक्वल टू टू इंटू नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स परमाणु की, सॉरी पार्टिकल्स, बच्चा बार बार एटम्स, पार्टिकल्स, इस बात को जरा गौर से ध्यान में रखिएगा कि टेट्राहेड्रल जो वॉइड होगा पार्टिकल के संख्या का दुगना होगा, मतलब टू इंटू एन, एन हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल, तो टू इंटू एन होगा, बात समझ में आया, एकदम आसान है। टेट्राहेड्रल वॉइड कहां होगा, तो बॉडी डायगोनल पर होगा, अब बॉडी डायगोनल टोटल कितना होता, बॉडी डायगोनल टोटल चार होता, तो बॉडी डायगोनल टोटल चार होता और सब पर दो दो है तो टोटल कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा, और आठ हो जाएगा, तो इस तरह से हम लोग इस्टीमेट कर सकते हैं कि ये जी इसमें एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ आइटम्स चार होता है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स चार होता है और टेट्राहेड्रल वॉइड आठ आ रहा है, इसका मतलब है कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड की जो संख्या होगी वो आइटम्स की संख्या, सॉरी पार्टिकल की संख्या का दुगना होगा। तो ये आप जनरल याद रख लीजिए, इसको जनरल, कैसा भी क्लोज पैकिंग रहे, किसी भी प्रकार का अब क्लोज पैकिंग रहे उसमें सिर्फ आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लीजिए और उसका दुगना कर दीजिए, आपको टेट्राहेड्रल वॉइड मिल जाए, है ना, तो छाप लीजिए, आप लो अच्छा से, लिख लिए, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पढ़ते हैं बच्चा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड दूसरा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा, एकदम सिंपल है वो भी बच्चा, कहां कहां होता है, एकदम सिंपल है, कोई परेशानी ही नहीं है वॉइड में,
कि कहाँ होता। और ये बहुत मजेदार चीज है, आपको इससे न्यूमेरिकल ठीक ठाक बनेगा। जैसे हम बनाएंगे अभी न्यूमेरिकल करेंगे, जैसे मान लीजिए ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, तो फेस सेंटर में कहाँ होगा बच्चा, कॉर्नर पर होगा एटम्स, कॉर्नर पर होगा एटम्स। कॉर्नर्स पर होगा एटम्स और कहां होगा, फेस सेंटर पर होगा। आइए दूसरा बी में पढ़ते हैं बच्चा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड ओ भी, ओ भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो सबसे पहले देखिए कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पाया जाता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पाया जाता है। तो दो लाइन में इसको लिख लीजिए कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड पहले तो आपको किनारों पर, जितना किनारा है वहां पे आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलेगा, जितना भी किनारा है। और एक होगा बॉडी सेंटर, एक होगा बॉडी के अंदर, बॉडी सेंटर पर बीच बीचवा में एक ठो होगा। तो लिख लीजिए कि इन सीसीपी और एफसीसी ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज, या ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट एट, प्रेजेंट एट, प्रेजेंट एट एज सेंटर, एज सेंटर ध्यान दीजिए, एज सेंटर जो किनारा है उसके बीच बीचवा में, सेंटर में, केंद्र में। इन सीसीपी ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट एट एज सेंटर एंड बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर। एज सेंटर कह दिया, तो एज सेंटर जब कह दिया तो बताओ इस किनारा का सेंटर कई गो होगा, एक के गो होगा। बीच बीच बीचवा में एक ही जगह तो बीच हो सकता है, और दो जगह बीच थोड़े ना हो सकता। बीच में कह रहा, तो बीच में कह रहा, तो इसका बीच में कहां होगा, यहां होगा। अब वो एक ही पॉइंट होगा बीच में है ना, तो वहीं पर होता है। तो हिंदी जिनका लिखना है वो लिख लीजिए कि सीसीपी या एफसीसी में ऑक्टा अष्टफलकीय, अष्टफलकीय, अष्टफलकीय रिक्ति, एक रिक्ति किनारे के केंद्र पर और अंतः केंद्र पर होती है, किनारे के केंद्र पर और अंतः केंद्र पर होती है। चलिए तो गिन करके देखिए बच्चा, टोटल नंबर ऑफ कितना होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड जोड़िए, कैलकुलेट करिए बच्चा। तो किनारा कितना है जरा गौर करिए, तो किनारा पर है, किनारा के सेंटर पर है, तो गौर करिए कितना किनारा होता है। तो कितना किनारा होगा, एक दो तीन चार, चार ऊपर चार नीचे और चार साइड वन वाले, बारह किनारा होता है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड बारह। लेकिन ध्यान दो, अगर मान लीजिए यहां पर होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड बचा, यहां होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, सब किनारा पर होगा, सब के किनारे पर, सेंटर पर होगा, किनारे के सेंटर पर होगा, तो बताइए ये जो वॉइड होगा वो सिर्फ और सिर्फ इस क्यूब का नहीं होगा, क्योंकि सेंटर पर है तो वॉइड बाहर भी जा रहा है, बाहर भी जा रहा है। तो ये पूरा बारह के बारह, आप टोटल बारह नहीं कर सकते, क्योंकि यही वाला वॉइड दूसरा यूनिट सेल में भी जा रहा होगा, दूसरा यूनिट सेल में भी जा रहा होगा। जैसे अगर मैं आपको समझाऊं किसी चीज से,
जैसे मान लीजिए ये बुक है, तो अगर इसके किनारे पर मान लीजिए यहां पर कोई आइटम्स, यहां पे जो खाली जगह है, तो यहां जो खाली जगह होगा वो इसके अंदर होगा, इसके बगल वाला के लिए होगा, और इसके बगल के ऊपर जो होगा उसके लिए, और इसके ऊपर होगा उसके लिए। मतलब यहां जो खाली जगह होगा वो चार क्यूबिक सेल में या चार यूनिट सेल में बंटेगा। कहां कहां? जैसे इस पर अगर मान लीजिए यहां पर है, तो इसके बगल वाला में यहां एक सेल रहेगा, उसमें भी यूनिट सेल में जाएगा, उसके बाद इसके ऊपर जाएगा उसमें भी थोड़ा सा रहेगा, फिर इसके ऊपर जाएगा उसमें भी थोड़ा सा रहेगा। मतलब टोटल एक वॉइड का जो कंट्रीब्यूशन होगा एक यूनिट सेल में वो 1/4 होगा। तो कितना हो जाएगा बच्चा? 1/4। अब प्लस एक होता है बॉडी सेंटर्ड में, एकदम बीचे बीचवा में, एकदम केंद्र पर, बीचा में, एकदम बीच में। तो जो बॉडी सेंटर पर होता है उसका कंट्रीब्यूशन तो टोटल होता है 100% होता है, क्योंकि वो उसके अंदर है। तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड, इसका ये जो वॉइड होगा उसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ उसी यूनिट सेल के लिए होगा। तो देखिए जोड़ करके बच्चा कितना होता है, तो हो जाएगा 3+1 मतलब 4। और ये कितना आया था आइटम्स, इसमें कितना आया था बच्चा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना आया था? नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी तो 4 ही आया था, समझे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी 4 ही आता है, 4 ही आया था। इसका मतलब क्या समझे कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो संख्या होगा वो जितना उसमें आइटम्स होगा उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। इसका मतलब कि टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जितना कणों की संख्या होगी उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा जितना कणों की संख्या होगी, और वो कहां पाया जाएगा? एज सेंटर पर और बॉडी सेंटर पर। और जो हम लोग देखे थे टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड कहां होता है बच्चा? बॉडी डायगोनल पर, अंतर केंद्रीय विकर्ण पर, है ना? तो ये पोजीशन भी याद रखिएगा कि कौन कहां पाया जाता है, कौन कहां पाया जाता है, फटाक से लिख ले। है ना, जल्दी से लिख लीजिए, एकदम आसान चीज है। दूसरा, अब हम लोग पढ़ेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल कितना कितना होता है, क्योंकि जो ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल दोनों में पाया जाता है, एचसीपी में भी पाया जाता है और सीसीपी और एफसीसी में, है ना? लेकिन क्यूबिक में आपका वो उसमें नहीं पाया जाता है, सिंपल क्यूबिक। तो आइए दूसरा पढ़ते हैं बच्चा, हेक्सागोनल में कहां कहां रहता है वॉइड। दूसरा पढ़ लेते हैं हेक्सागोनल एचसीपी में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसे रहता है बच्चा? आपको मैंने बताया ही था, इस तरह से हेक्सागोनल ऐसे ही बनता है ना जी।
है ना, तीन एटम्स इसके अंदर रहता है और छह गो इसके ऊपर रहता है, और एक का वो बीचवा में रहता है। तो हेक्सागोनल में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है, एक लाइन लिख लीजिए कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होता है। मैंने बता ही दिया है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बारे में कि क्या होता, तो लिख लीजिए कि इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन एचसीपी, 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 इन एचसीपी देयर आर थ्री लेयर, तीन लेयर होता है जिसमें से दो लेयर में छह सात एटम्स और एगो में बीचवा में तीन एटम्स, है ना। तो आप ऐसे लिख लीजिए कि देयर आर थ्री लेयर इन विच जिसमें टू लेयर अपर एंड लोअर इन विच टू लेयर्स हैव सेवन पार्टिकल्स, सेवन पार्टिकल्स एंड मिडिल लेयर हैज थ्री पार्टिकल्स। ये जो सात पार्टिकल्स अभी बता रहे हैं, ये नहीं कि पूरा का पूरा इसी में होगा, है ना, होगा सात पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। तो हिंदी लिखना है तो वो लिख लीजिए कि हेक्सागोनल चतुष्फलकीय निविड़ संकुलन में तीन लेयर होते हैं जिसमें दो लेयर ऊपर और नीचे वाला के पास सात कण होते हैं और मध्य वाले, है ना, और मध्य वाले सतह के पास तीन कण होते हैं। अब जरा गौर करिए बच्चे कि नंबर ऑफ आइटम्स इसमें कितना होगा, तो मैंने बताया ही नंबर ऑफ एटम्स आपको मैं सिखा दिया हूं पहले, फिर भी बता देते हैं। ये तीन गो अंदर में बच्चा तो तीनों के पूरा कंट्रीब्यूशन, दू गो है बच्चा कहां फलक पर, तो दू गो है फलक पर तो उसका हिस्सा एक बटा दू होता है, और बारह गो है कॉर्नर पर, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, और उसका कंट्रीब्यूशन होता है एक बटा छ। हेक्सागोनल में एक बटा छ, क्यूबिक में एक बटा आठ, मैंने बताया था। तो ये कितना हो जाएगा, वन, ए हो जाएगा टू, तो टोटल हो जाएगा तीन और तीन छह एटम्स, पार्टिकल्स, सॉरी बार बार एटम्स लिखा जा रहा है, पार्टिकल्स एटम्स को छोड़िए नहीं रहा है, बार बार छह पार्टिकल्स होता है बच्चा। आइए अब चेक करते हैं कि इसमें कितना नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा और कितना नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। चलिए एकदम आसान, अब पार्टिकल की संख्या पता हो गया, मतलब एन हो गया, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो सबसे पहले देख लीजिए नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है बच्चा, टू इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स,
जितना कण होगा उसका दुगना होगा टेट्राहेड्रल पॉइंट्स, तो दो गुने टेट्राहेड्रल सॉरी पार्टिकल्स की संख्या कितना आया है बच्चा, छह। तो बताइए इसमें टोटल वॉइड्स कितना होगा, 12 वॉइड्स। सिंपल, इससे ज्यादा सिंपल क्या बता सकते हैं बताओ, है ना। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना होता है बच्चा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितना पार्टिकल्स होगा उतना ही नंबर ऑफ वॉइड्स होगा। तो टोटल कई पार्टिकल्स आ रहा था, छह पार्टिकल्स, तो छह वो वॉइड होगा इसमें, है ना। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या छह और टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या 12, किसमें, एचसीपी, है ना, एचसीपी। तो ये हम लोग वो दोनों का देख लिए लोकेशन, किसका किसका, टेट्राहेड्रल वॉइड और बच्चा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। आइए इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, है ना, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। चलिए कुछ करते हैं क्वेश्चन। चलिए बच्चे देखिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आइटम्स ए ऑक्युपाई एफ सी सी लैटिस, आइटम्स बी आर इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, आइटम्स सी आर इन टेट्राहेड्रल वॉइड, देन फाइंड फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल। हिंदी लिख लीजिए, उसके बाद समझाते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। परमाणु ए, परमाणु ए एफ सी सी जालक बनाता है, एफ सी सी जालक पर रहता है, है ना, एफ सी सी जालक पर रहता है। परमाणु बी अष्टफलकीय रिक्ति में है और परमाणु सी चतुष्फलकीय रिक्ति में है, आर इन टेट्राहेड्रल पर, देन फाइंड फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल। तो जानते हैं ये क्या कह रहा है बच्चा, ये कह रहा है ना कि जो एफ सी सी क्रिस्टल है, फेस सेंटर जो क्यूबिक है क्रिस्टल, एफ सी सी, ध्यान दीजिए ये सेंटर है एफ सी सी, क्लोज पैकिंग है एफ सी सी है, और एफ सी सी फेस सेंटर क्लोज पैकिंग के बारे में आपको मालूम है कि फेस सेंटर क्लोज पैकिंग में आइटम्स कहां कहां रहता है, कॉर्नर पर, कॉर्नर पर, और कहां रहता है, फेस सेंटर पर, कॉर्नर पर और फेस सेंटर पर रहता है। और कह रहा है कि आइटम्स ए एफ सी सी बना रहा है, क्वेश्चन देखिए, आइटम्स ए ऑक्युपाई एफ सी सी, मतलब यहां जहां जितना भी जगह आपको दिख रहा है एफ सी सी में पार्टिकल्स का, सब जगह ए है, सब जगह ए है, क्योंकि लैटिस जो बना रहा है एफ सी सी, जो लैटिस बना रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ए बना रहा है, सिर्फ और सिर्फ ए बना रहा है। तो बताइए सॉल्यूशन में नंबर ऑफ ए आइटम्स कितना होगा, नंबर ऑफ आइटम्स ए, तो ए के परमाणु कई गो होगा बच्चा, जरा देखिए तो कई गो होगा, एफ सी सी में टोटल कई गो होता है बताइए, चार गो होता है ना, बताइए आठ है और उसका हिस्सा होता है वन बाई एट, और सतह पर फलक पर छह गो है उसका हिस्सा होता है वन बाई टू, तो ये कट गया वन, ये कट गया तीन, तो तीन एक चार, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स चार। अब आइए नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ बी, बी के परमाणुओं की संख्या जरा देखिए तो कहां कह रहा, एटम्स बी आर इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां रहता है आपको मालूम है ना, एज सेंटर पर,
तो जो बी होगा ई यहां पर होगा, सबके सेंटर पर होगा, बी रखा हुआ होगा। तो बताइए ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है तो बी कई गो होगा, जितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, जितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा उतने बी का परमाणु होगा। तो बताइए ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी होगी, जितना परमाणु की संख्या होती है ना, तो जितना परमाणु की संख्या होती है, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होता है, जितना परमाणु की संख्या। तो एक सीसी में परमाणु की संख्या कितनी होती है, चार, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा चार। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएगा तब बी के परमाणु की संख्या भी चार हो जाएगा, चार एटम्स होगा बी का, सिंपल सा परिभाषा। दूसरा कह रहा है एटम्स सी आर इन टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल में, तो नंबर ऑफ सी कई को कई पार्टिकल्स सी का यूज होगा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सी, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सी कहां पर है बच्चा, टेट्राहेड्रल में। तो जितना टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या होगी उतने ही सी एटम्स की संख्या होगी, तो लिख दीजिए नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, और टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है बच्चा, परमाणु के संख्या के दुगना, और ये तो परमाणु की संख्या के एन के बराबर होता। तो अब बताइए परमाणु की संख्या एफसीसी में कितना होता है, चार, तो दो गुने चार तो टोटल कितना हो जाएगा, आठ। अब बताइए ए है चार गो, बी है चार गो, सी है आठ गो, अरे टेट्राहेड्रल जितना सी कहां है, क्वेश्चन में देखो ना सी लिखा हो, एटम्स सी आर इन टेट्राहेड्रल वॉइड, मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड में वो है, देखिए कि कितना वॉइड है उतना में रख दीजिए, तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 2n होता है, n क्या है परमाणुओं की संख्या, तो परमाणु की संख्या चार, तो चार दो नहीं आठ, तो आठ को होगा टेट्राहेड्रल वॉइड, तो आठ को टेट्राहेड्रल वॉइड, तो सी का परमाणु भी आठ को, क्योंकि ओरे में तो डाला हुआ है। तो अब अगर आपसे पूछे कि बताओ इसका फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला देख लीजिए क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला तो सिंपल है, जब आ गया तो फॉर्मूला बना दीजिए। तो इसका जो फॉर्मूला होगा बच्चा, फॉर्मूला ए कैगो चार गो, बी कैगो चार गो, और सी कैगो बच्चा आठ गो, तो ए फोर बी फोर सी एट। लेकिन इंपेरिकल फॉर्मूला आप इसका लिखिएगा, देखिए चार सब में कॉमन है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला लिख दीजिए, तो ए बी सी टू चार सब में कॉमन ले लीजिए है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए बी सी टू, सिंपल सा परिभाषा, सॉरी सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से लिखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। लिख लिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप लोग करिएगा, एक मिनट टाइम देंगे, आप लोग बनावे कोशिश कर लीजिएगा इसी टाइप का क्वेश्चन, एंड ये कॉमन ले लिए, इंपेरिकल फॉर्मूला लिख दिए। आइए लिखते हैं क्वेश्चन, जितना भी नंबर हुआ होगा है कि इन FCC या CCP या CCP दोनों सेम चाहिए, इन FCC या CCP आइटम्स X, आइटम्स X, X एक आइटम है, ऑक्युपाई ऑक्युपाई CCP लैटिस, समझ गए कि लैटिस बना रहा है, जो X है वो लैटिस बना रहा है, आइटम एक्स ऑक्युपाई सीसीपी लैटिस, आइटम्स वाई, आइटम्स वाई प्रेजेंट एट 25 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड,
50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड 25% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 25% ऑक्टाहेड्रल वॉइड में एंड आइटम्स जेड ऑक्युपाई रिमेनिंग वॉइड्स. फाइंड फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल. सिंपल सा है बच्चों, लिख लो, हिंदी जी को चाहिए हिंदी लिख लीजिए कि FCCCCP में या CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फैसेंटर क्लोज पैकिंग में परमाणु X CCP जालक बनाता है, परमाणु Y 50% टेट्राहेड्रल वॉइड और 25% ऑक्टाहेड्रल वॉइड में उपस्थित है. कहां 50% टेट्राहेड्रल वॉइड में और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में 25%. और आइटम्स जेड मतलब परमाणु जेड बचे हुए रिक्ति में उपस्थित है, बचे हुए रिक्ति में उपस्थित है. तो क्रिस्टल का फॉर्मूला ज्ञात करें, आइए बच्चा देखिए, जरा बना लिए होंगे, जो बना लिए हैं वो ठीक है, बाकी सब इधर देखिए. क्यूबिक क्लोज पैकिंग है बच्चा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग है. तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में अभी बताया तो सिर्फ नंबर ऑफ आइटम्स निकाल दीजिए, इसमें कितना होता है नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल कितना होता है बच्चा, 4 होता है, जस्ट अभी पहले किए तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 4 हो गया. तो नंबर ऑफ आइटम्स 4 हो गया तो बताओ नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा. इसका दुगना होता है परमाणु की संख्या का, ये जेड है तो ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है वो परमाणु की संख्या पार्टिकल की संख्या का दुगना, तो ये 8 हो जाएगा. नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड बताइए, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड जितना परमाणु होता है उतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड की टोटल कितना हो जाएगा, 4. इतना लिख लिए, कितना वॉइड होता है सब चीज लिख लिए. अब आइए कहां क्या है उसके बारे में जानकारी लीजिए, कहां क्या है देख लीजिए. अब कह रहा है कि आइटम्स एक ऑक्युपाई सीसीपी, तो बताइए नंबर ऑफ आइटम्स एक्स कितना होगा, कई को एक्स होगा. तो ये सीसीपी लैटिस बना रहा है, लैटिस बना रहा है मतलब कोना पर और सतह पर होगा, मतलब कितना होगा टोटल उसका संख्या, 4. बताइए अब कहोगे सर फिर 4 कैसे, अरे यार सीसीपी लैटिस बना रहा है बच्चा तो 8 कोना पर एक्स होगा और सतह पर होगा, 6 सतह पर, तो टोटल कई आइटम्स होगा, 4 गो, तो 4 आइटम्स हो गया. नंबर ऑफ आइटम्स बाय क्या कह रहा, 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड 25% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड. तो बताइए 25% ऑफ टेट्रा 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 50 प्लस 25% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड. बताइए टेट्राहेड्रल वॉइड का 50% मतलब आधा, था टेट्राहेड्रल वॉइड का है वो 8 गो, तो 8 का आधा कितना हो जाएगा बच्चा, 4. अब प्लस 25% ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 25% मतलब 1/4,
तो ऑक्टाहेड्रल चार का एक चौथाई कितना, एक, तो टोटल कितना हो जाएगा बाई की संख्या, पांच, नहीं बच्चा पांच हो जाएगा। नंबर ऑफ, अगला लिख लीजिए जेड कितना है, नंबर ऑफ एटम्स जेड कितना, सिंपल है, जेड कहां कहां है बच्चा, रिमेनिंग वाइट, तो रिमेनिंग, तो 50% टेट्राहेड्रल वाइट लग गया बाई उसमें चला गया, तो 50% टेट्राहेड्रल बचा, तो टेट्राहेड्रल का 50%, 8 का 50% बचेगा, तो 4, 4 वाइट बचा, 25% यूज हो गया ऑक्टाहेड्रल का, तो 75% बचा, रिमेनिंग का रहा बचा हुआ, तो कितना इसका ऑक्टाहेड्रल कितना बचेगा, 75%, मतलब इसका 75%, मतलब इसका 75%, तीन चौथाई, अरे एक वो इसका लगा ना, देखो ना एक ऑक्टाहेड्रल कई वो लगा, एक वो तो इसमें बचा कई वाइट, तीन वाइट बचा, तो ये तीन हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 7। फॉर्मूला निकाल लीजिए क्या होगा फॉर्मूला बच्चा, तो फॉर्मूला हो जाएगा x4 y5 z7 आंसर, है ना, यही हो जाएगा इसका फॉर्मूला, है ना, जल्दी से लिखिए, एक क्वेश्चन और करते हैं। लिख ले नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखे In HCP, items A occupy lattice position. Items B occupy 50% octahedral void and 25% tetrahedral void, and items C occupy remaining voids. Find formula of crystal. सिंपल सा, बस वहां सीसीपी के जगह पर यहां एचसीपी कर दिए, लिख ले हिंदी बच्चा कि एचसीपी में परमाणु ए जालक स्थान को घेरता है, परमाणु बी 50% ऑक्टाहेड्रल वॉइड और 25% टेट्राहेड्रा वॉइड को घेरता है, और परमाणु सी बचे हुए रिक्तियों को घेरता है या उसमें उपस्थित होता है,
बचे हुए रिक्तियों में अवस्थित होता है, तो जालक का फॉर्मूला ज्ञात करें या क्रिस्टल का फॉर्मूला ज्ञात करें। फटाक से देखा तो लिख लेना, बनाओ सिंपल सा सॉल्यूशन। एक मिनट देते हैं, आप लोग थोड़ा सोच लीजिएगा। अब ऐसे एक मिनट देना नहीं चाहिए तो इतना तो फैसिलिटी हो जाता है, बच्चा ऑनलाइन में रोक करके आप लोग पहले बना लीजिएगा, तब फिर चालू करिएगा, है ना वीडियो। तो बताइए करा कि HCP है, तो पहले निकाल लीजिए नंबर ऑफ आइटम्स। तो नंबर ऑफ आइटम्स इन HCP आप जानते हैं कितना होता है? बहुत अच्छे से जानते हैं, अभी जस्ट बताया 6 हो, है ना। नंबर ऑफ आइटम्स कितना हो जाएगा बच्चा? 6। तो बताओ नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होता है? जितना आइटम्स होगा उतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो ये भी 6 हो। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होता है बच्चा? दुगना, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएगा 6 × 2 = 12। अब देखिए कौन कौन कहां पर है, कौन कौन कहां पर है बच्चा, कहां है ए, कहां गया बताइए? ए आइटम्स ए कई को होगा, तो आइटम्स ए बताओ कहां है? लैटिस पोजीशन पर, मतलब जहां जहां कोना है और जहां जहां सतह है, तो टोटल कई को होगा? ये 6 को। आइटम्स बी, आइटम्स बी 50% ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो 6 × 50% 3, 25% टेट्राहेड्रल वॉइड, तो 12 × 1/4, तो 12 × 1/4 कई आइटम? 3 आइटम, तो 3 को 3 जगह टेट्रा, अरे 25% मतलब कितना हो गया? 25/100 मतलब 1/4, किसका 1/4? टेट्राहेड्रल का। टेट्राहेड्रल कई गो? 12, 12 × 1/4, 4 × 12, तो 3 आइटम टोटल, ये भी कई गो? 6 गो। आइटम्स सी कहां है? रिमेनिंग, अरे तो रिमेनिंग कितना बचा? 50% ऑक्टाहेड्रल बचा, तो ऑक्टाहेड्रल 50% लग गया, तो 50 बचा, तो 3 गो लगा, तो 3 गो बचा, और एकरा में से कई गो लगा? 3 गो, क्योंकि 75% बचेगा, तो इसमें 3 गो लग गया, तो बचा कई गो? 9 गो, तो 9 × 3 = 12। फॉर्मूला A6 B6 C12, सिंपलेस्ट फॉर्मूला A B C2, 6 कॉमन ले लीजिए बच्चा, A B C2 देख लिए, लिख लिए। चलिए बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। थोड़ा सा हम लोग आयनिक क्रिस्टल के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस टाइप का क्रिस्टल होता है वो पढ़ेंगे, फिर हम लोग सॉलिड जो पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट में उसका हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। उससे पहले हम लोग पढ़ लेंगे थोड़ा सा डिफेक्ट, क्या क्या अशुद्धि डिफेक्ट होता है सॉलिड्स में वो पढ़ेंगे। दो टॉपिक और है, कौन कौन है बच्चा? डिफेक्ट इन सॉलिड और प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। डिफेक्ट पढ़ेंगे एकदम आराम से, 4-5 प्रकार के, एकदम तो एक क्लास में खत्म कर देंगे डिफेक्ट, उतना कोई परेशानी वाला नहीं। एक क्लास या दो क्लास लगेगा डिफेक्ट में, दो क्लास लगेगा आपको प्रॉपर्टी में, दो क्लास तीन क्लास, और एक आध क्लास आपको कल लगेगा, 5-6 क्लास में
खत्म हो गया। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, याद करके सब्सक्राइब कर देना, बेल कर आइकन को दबा देना, क्योंकि आपको वीडियो मिल जाएगा ना, कोई नोटिफिकेशन जाएगा तभी तो कि आगे अपलोड हो गया है। तो चलिए बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।